तब सब कुछ हुआ और यहाँ पर हम लोग एक मलयालम मूवी के डे वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और थिएटर ऑक्यूपेंसी को डिस्कस करेंगे। और इस मूवी का नाम है पुक्कालम, पता नहीं मैंने प्रोनाउंस ठीक से किया होगा या फिर नहीं, आप उसको मैनेज कर लेना प्लीज। तो यहाँ पर इसके डे वन की थिएटर ऑक्यूपेंसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं मॉर्निंग से, तो मॉर्निंग में इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिली है वो देखने को मिली है यहाँ पर 4.97%। और वहीं पर अगर मैं बात करूं आफ्टरनून शोज की, तो यहाँ पर ऑक्यूपेंसी में बढ़ोतरी देखने को मिली, कम से कम मॉर्निंग शो से तो अच्छी ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिली, मतलब मॉर्निंग में ऑलमोस्ट हमें 5% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर आफ्टरनून शोज में ऑक्यूपेंसी बढ़कर मतलब 4% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली और फिल्म की ऑक्यूपेंसी हमें यहाँ पर देखने को मिली है 8.90, यानी कि ऑलमोस्ट 9% की ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिली आफ्टरनून शोज में। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें इवनिंग शोज की, तो यहाँ पर ऑक्यूपेंसी वापस से गिर गई, 2% की गिरावट देखने को मिली और यहाँ पर ऑक्यूपेंसी रहा 6.50%, जो कि देखा जाए तो खतरे की निशानी है। मतलब अगर आप गौर से देखोगे जिस तरीके से जो पैटर्न इस मूवी की ऑक्यूपेंसी में हमें देखने को मिल रहा है, पहले ठीक ठाक सी ओपनिंग, उसके बाद अचानक से अप यानी कि एक जंप देखने को मिल जाता है, फिर अचानक से डाउन हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है कि ऑडियंस या तो बहुत कम जा रही है थिएटर मूवी देखने के लिए, या तो ऑडियंस जा ही नहीं रही है, या फिर बहुत कोई सोच समझ के जा रहा है, या फिर जाना ही नहीं चाह रहा है। क्योंकि अगर देखो अगर मूवी अच्छी निकली तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, ऑक्यूपेंसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। लेकिन सोच कर देखो अगर फिल्म के साथ जो हाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऑक्यूपेंसी के मामले में, अगर फिल्म वैसे ही निकल जाए जैसा कि यहाँ पर हमें ऑक्यूपेंसी में अप्स और डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, क्या पता अगर मूवी भी बेकार निकल जाए, तो क्या आपको लगता है कि ये फिल्म शायद अपना बजट तो छोड़ो 1 करोड़ का भी मतलब कलेक्शन अगर टच कर पाए वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अगर फिल्म के अंदर एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है तो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में मैंने देखी है मलयालम फिल्में, जो या तो कमाती हैं तो बहुत ही तगड़ा बिजनेस कर जाती है, या तो अगर नहीं कमाती हैं तो मतलब वो चिल्लर वाली मतलब हालत हो जाती है, चिल्लर बटोरने वाली। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं नाइट शोज की, तो नाइट शोज में काफी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला, खासकर ऑक्यूपेंसी के मामले में, क्योंकि मॉर्निंग से लेकर हमने इवनिंग तक जो ऑक्यूपेंसी देखी तो उससे देखा जाए तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर ऑक्यूपेंसी जो है वो 10% से भी ऊपर चला गया और यहाँ पर हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली नाइट में 16.35%। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कम से कम दिन में फिल्म का जो कलेक्शन रहा होगा वो उतना काफी अच्छा खासा नहीं रहा होगा, लेकिन नाइट में फिल्म ने एक तरीके से जो बची कुसी कसर होगी उसको यहाँ पर पूरा किया और कम से कम उसी के वजह से शायद फिल्म अच्छा कलेक्शन भी कर गई होगी। पर ओवरऑल यहाँ पर जो ऑक्यूपेंसी निकल कर आई इस मूवी को लेकर वो इतनी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी है 9.18%। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी मूवी की ऑक्यूपेंसी 10% से भी नीचे चली जाती है, वो भी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग से लेकर नाइट शोज की अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें तो उसका जो एवरेज है ये अगर वो 10% से भी नीचे चला जा रहा है तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब या तो फिल्म के अंदर कुछ गड़बड़ी है, या फिर लोग देखना नहीं चाह रहे हैं, या फिर फिल्म शायद ढंग से प्रमोट की नहीं गई है। वरना अगर नीचे जा रहा है तो सही में इस फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सबब बन सकता है ये ऑक्यूपेंसी, क्योंकि उसके वजह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बुरा असर पड़ सकता है, जो कि पड़ता ही है। क्योंकि इसी का अगर हम लोग यहाँ पर असर देखें, जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल कर आया है डे वन का, वो निकल कर आया है 12 लाख रुपीज, जो कि देखा जाए तो 10% की ऑक्यूपेंसी इस फिल्म ने मेंटेन किया है। अब देखो ये जो कलेक्शन आया है 10% से भी नीचे की ऑक्यूपेंसी के बाद भी आप फिर बोलोगे कि फिल्म ने 10% से भी नीचे की ऑक्यूपेंसी दिखाई है और फिल्म ने कलेक्शन किया है 12 लाख रुपीज का, लेकिन फिर भी मैं बुराई कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये अच्छी ऑक्यूपेंसी नहीं है। अब देखो हो सकता है कि ज्यादातर ऑडियंस जिसके वजह से ये ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिल रही है वो शायद सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पर गए ही नहीं, हो सकता है वो मल्टीप्लेक्स में गए हों, जहां पर जो टिकट्स के प्राइसेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं, 200, 300, 400, 500, even 700 तक भी चले जाते हैं टिकट के प्राइसेस। क्योंकि क्या होता है यार, छोड़ो ये, मतलब सोचना पड़ जाता है कभी कभी कि देखने जाएं या फिर नहीं, अब ऐसी हालत हो चुकी है।
और उसी वजह से मतलब अगर ज्यादातर ऑडियंस मल्टीप्लेक्स वगैरह में ऐसे फिल्मों को जाकर देख लेती है तो भले ऑक्यूपेंसी कम हो जाए, लेकिन उस वजह से क्या होता है ना कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नंबर्स बहुत ही ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि जो टिकट्स उन्होंने बाय किए होंगे उसके जो प्राइसेस भी काफी ज्यादा हाई हुए होंगे, तो हाई प्राइस की वजह से भले टिकट के टिकट का जो नंबर्स है वो कम हो जाए, ऑक्यूपेंसी कम हो जाए, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो अच्छा खासा ही देखने को मिलेगा। पर लॉन्ग टर्म में ये चीज फिल्म की सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, आई मेरी बात समझ में। बाकी देखते हैं कि आगे फ्यूचर में इस फिल्म का क्या होने वाला है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या फिर थिएटर ऑक्यूपेंसी कमाल होने वाली है या फिर नहीं, क्योंकि अभी भी काफी टाइम बचा हुआ है अगला फ्राइडे आने में, इसके अलावा संडे भी बचा हुआ है, तो क्या पता इस बीच ये फिल्म जो है वो कुछ कमाल कर जाए, अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर जाए, क्योंकि अगर उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे को या फिर वेडनेसडे को या फिर थर्सडे को अगर कोई मूवी रिलीज होगी और वो फिल्म वाकई में कुछ धमाल निकली तो ये फिल्म बिना सोचे समझे थिएटर से उतार दी जाएगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। जिस तरीके से ये फिल्म परफॉर्म कर रही है उस बेसिस पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ। जोहार।